नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Realme C61 versus Poco C65 का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो C61 में 6.59 इंच जबकि Poco C65 में 6.61 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो C61 में 3.02 इंच जबकि Poco C65 में 3.07 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो C61 में 0.31 इंच जबकि Poco C65 में 0.32 इंच की थिकनेस मिलती है जो कि C61 से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो C61 में 187 ग्राम जबकि Poco C65 में 192 ग्राम का वेट देखने को मिलता है जो कि C61 से ज्यादा है। चलिए अब हम डिस्प्ले की तुलना करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही XLCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो C61 में 6.78 इंचेस जबकि Poco C65 में 6.74 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन C61 में 720x1600px HD+ और Poco C65 में 720x1650px HD+ मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो C61 में 86.54% जबकि Poco C65 में 82.45% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो C61 में 259 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Poco C65 में 267 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो C61 में एक कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि प्राइमरी कैमरा देखने को मिलता है और Poco C65 की बात करें तो इसमें दो कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो C61 में 4 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Poco C65 की बात करें तो उसमें 12 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में जिसमें हम CPU, GPU और RAM की जानकारी देखेंगे। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो C61 में माली G57 जबकि Poco C65 में माली G52 MC2 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो C61 में Unisoft T612 और Poco C65 में MediaTek Helio G85 मिलता है। बात करें RAM की तो C61 में 2 ऑप्शन देखने को मिलता है जिसमें 4GB, 6GB की RAM मिलती है जबकि Poco C65 में 3 ऑप्शन देखने को मिलता है जिसमें 4GB, 6GB, 8GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं वो C61 में 2 विकल्प देखने को मिलता है जिसमें 64GB 128GB की स्टोरेज मिलती है जबकि Poco C65 में 2 विकल्प देखने को मिलता है जिसमें 128GB 256GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात करें तो C61 में अप टू 2TB जबकि Poco C65 में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो C61 में Android V14 जबकि Poco C65 में Android V13 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो C61 में 2 कलर्स जबकि Poco C65 में 3 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो C61 में 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं
जो कि 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ 7699 रुपीस, 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 8999 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें पोको C65 की तो उसमें 3 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 4 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 8499 रुपीस, 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 9499 रुपीस, 8 GB रैम 256 GB स्टोरेज के साथ 10999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो Realme C61 में 7 फायदे और 8 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें पोको C65 की तो उसमें 8 फायदे और 7 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में पोको C65 आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में पोको C65 आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें ओप्पो A3 Pro 5G है, दूसरा OnePlus Nord CE4 Lite 5G है, तीसरा Moto G85 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Xiaomi Redmi 13 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्रिय दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।